हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? सब सब आए हो? सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। एक्चुअली सुबह से मैं इतना ज़्यादा बिजी थी ना कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली हम लोग ट्रिप से तो आ गए थे, मेरा आधा कपड़ा सारा धो के रखा था और आधा न्यू वाला सारा रख दिया था कि अच्छे से धूप करेगा तो धोऊंगी। तो वो सारा कपड़ा धोई, फिर नहाई, फिर नाश्ता की, फिर खाना बनाई, फिर कपड़ा सूख के सारा फोल्ड की, अभी घर वर झाड़ू वाड़ू कर ली। तो अभी हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा बाहर जाना है मुझे। एक्चुअली हम लोग रूम बुक किए थे ना जैसे ऑनलाइन से, तो बस उन्हीं के पास जाना है, उनसे पैसा लेना है। एक्चुअली में उनके पास जाना है, फिर मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, मुझे कुछ लेना था, और गीता को भी गुल बाज़ार जाना है, उसको भी कुछ लेना था। तो सुबह से मुझे अभी टाइम मिला तो इसलिए मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। हम लोग चैत वाला जो होता है वो वाला करते हैं, उसमें मम्मी कलश वगैरह बैठाती हैं, ये वाला मैं नहीं बैठाते हैं, ऐसे नॉर्मल पूजा करते हैं वाला मैं। हाँ, बट नॉनवेज बंद रहता है इसमें भी, फिलहाल बंदी है, क्योंकि हम लोग फिर दसवीं को खाते हैं। दसवीं को फिर दसवीं से हम लोग खाएंगे नॉनवेज। वैसे तो खा सकते हैं क्योंकि माता को तो चढ़ता है, बलि चढ़ता है, ये वाला पूजा में भगवान को बलि चढ़ता है, बस हम लोग नहीं खाते, सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। तो बस थोड़ी देर के बाद मैं निकलूँगी, पहले देख रही हूँ भैया आ जाएगा तो पहले उससे मिलने, फिर मार्केट जाना है, देखते जो भी होता है। ओके गाइस, ब्लॉग बने रहो आप लोग। ओके सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए, और मौसम देखिए गाइस, हम मस्त किया हुआ है ना, लग रहा है बारिश होगा। और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, ये देखिए। उस दिन मैं आपको रात में यही वाला मूर्ति दिखा रही थी, ये देखिए बहुत बड़ा है, लाइटिंग की वजह से ठीक से दिख नहीं रहता एक्चुअली में, तो मैं सोची अभी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत बड़ा मूर्ति है। और ये देखिए गाइस, घंटी उस दिन भी रात में आई थिंक ठीक से नहीं दिख रहा था होगा, ये देखिए बहुत बड़ा घंटी है, बहुत बड़ा, इसको बजाने में हालत ख़राब हो जाती है। मंदिर से निकल के फिर हम लोग गुल बाज़ार आए, फिर हम लोग शॉपिंग किए, जो खरीदना था खरीद लिए, गीता को एक्चुअली में सिलाई का कुछ खरीदना था खरीद ली, फिर हमें दिख गया गोला तो हम लोग रुक गए गोला खरीदने के लिए। गोला हमारा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है, गीता को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे गोला बनवा रहे हैं। ये देखिए हम लोग का गोला रेडी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग आ गए हैं घर, मम्मी पूजा कर रही थी, अभी पूजा भी हो गया है, तो मैं अभी गई थी दुकान, दुकान से लेके आई हूँ दूध और कुछ सामान भी लाना था तो भी लेके आई हूँ। मेरा कान देखिए गाइस पूरा ख़राब हो गया है, पता नहीं ठीक भी नहीं हो रहा है, खाली दर्द कम हुआ है बस, बाकी से पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, सही भी ठीक, पता नहीं कब ठीक होगा। पता है गाइस, मैं अभी दुकान गई थी ना, यहाँ पे एक छोटा सा पप्पी मरा हुआ पड़ा था, उसको ना कोई गाड़ी धक्का मार के चल गया गाइस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं, हम इंसान तो बोल देता है कि भूख लग रहा है, लग गया है, लगने से बोलते हैं, लेकिन जानवर तो नहीं बोल पाते हैं ना। कम से कम थोड़ा सा हम लोगों को सही से गाड़ी चलाना चाहिए, पता नहीं कैसे लोग हैं, बेजुबान जानवर लोगों पे दया भी नहीं आता है। तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, देखी देख के ना बहुत ज़्यादा, पहले मैं सोची कि वो सोया हुआ है करके, फिर मुझे तो वो अंकल बोले कि वो मर गया करके, फिर सामने जाके देखी तो सच में के साथ वगैरह कुछ नहीं चल रहा, बहुत बुरा लगा गाइस। तो बस अभी घर आई हूँ, घर आके मम्मी चाय बना रही है, एक्चुअली मम्मी फास्ट है तो मम्मी बोली चाय पिएगी, तो मम्मी के लिए बना रहे थे, थोड़ा हम लोग पी लेंगे, मैं गीता पापा गए हैं थोड़ा सा बाहर बस, और खाना में देखना होगा क्या बनाना है। ठीक है, पहले चाय बना लेती हूँ, आप लोग ब्लॉग बने रहो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं बता देती हूँ हम लोग भी सही हैं और मैं भी ठीक हूँ, बस अभी तक मेरा कान ठीक नहीं हुआ एक्चुअली में, अभी तक देखिए अभी तक ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, कब होगा कैसे होगा,
रोज बोरिंग लगा रही हूँ मैं, जल्दी ठीक हो जाए। दर्द तो कम है पर ठीक नहीं हो रहा, पानी फिर ठीक हो रहा है पर पानी निकल के फिर से ऐसे का वैसे ही हो जा रहा है। वो स्कूल बच चलो मैं, आई होप जल्दी ठीक हो जाए। और आज नवरात्रि का सेकेंड डे है, मम्मी पूजा वूजा कर ली है, मैं भी उठी फ्रेश व्रेश हो गई, नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने। आज पापा होटल से इडली और कचौड़ी लेके आए थे तो खा ली। और एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा काम से बाहर जाना, एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू है, अभी तो नहीं होगा, दुर्गा पूजा के बाद होगा, तो बस उसी के लिए सर से बात करने जाना है मुझे। और कल मैं चाय बनाई थी ना रात में, तो शाम को चाय बनाए थे, उससे टोस्ट खा लिया, फिर उबा के फिर पापा स्वीट कॉर्न लेके आए थे, उसको बॉईल किया, वो खा लिया, पेट भर गया था तो, और फिर कुछ बनाया नहीं इसलिए, और ब्लॉग भी नहीं खी रहा था मैं, तो इसलिए अभी डायरेक्ट मॉर्निंग में कर रही हूँ। तो बस जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी होके फिर जाऊँगी बाहर। बाहर जाने के बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, जाना पड़ेगा, काम है। तो चलिए गाइस मैं आ जाती हूँ, फिर आप लोग को मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ बाहर से, मुँह देखिए गाइस धूप से कैसा हो गया है, बहुत धूप तो बाहर में बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर पहले आई हूँ, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट की, फिर आई हूँ किचन में खाना खाने के लिए, भूख लग रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या बनाई है। ये देखिए बंदा गोभी बनाई है मम्मी, मेरा फेवरेट है बंदा गोभी, और गोभी मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जी है। और इसमें क्या है, इसमें भाजी है, ये देखिए भाजी बनाई है, कौन सा भाजी है पता नहीं, दाल देके बनाई है। और साथ में चावल, बस यही है खाना आज का। खाना वाना खा के मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ मौसी के घर। एक्चुअली उस दिन मौसी खाना दी थी ना, सारा टिफिन लूँ बहुत सारा है, तो जाके मैं बोला दे दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी मुस्कान ट्यूशन पढ़ रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, मैं आ गई हूँ घर मौसी घर से। एक्चुअली मौसी घर गई थी ना मैं, तो लोग से बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना मैं, कि मैं वहाँ पर ब्लॉगिंग करना ही भूल गई थी, इसलिए पीयू मुस्कान से मैं आप लोग को नहीं मिल पाई। तो वो लोग, मैं आते वक्त वो लोग पढ़ रही थी, तो मैंने छोटा सा वीडियो निकाला सिर्फ, एक्चुअली वो लोग पढ़ रही थी ना इसलिए, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी पता नहीं कैसे, वो लोग बहुत से बात करने में इतना बिजी हो गई थी कि एक बार वो ख्याल ही नहीं है कि ब्लॉगिंग भी करना है करके। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल बात होंगी। और ये देखिए मौसी मेरा चोटी बनाई है, सागर चोटी बांधती है मौसी मुझे, काफ़ी मैं गई थी खोपा करके, आई हूँ चोटी करके, ये देखिए मौसी बांधी है, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद किसी ने चोटी बांधा मुझे। जब कोई चोटी करता है वाला तेल लगाता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे तो खुद से मैं हेयर स्टाइल कर लेती हूँ, बट इतना अच्छा से नहीं कर पाती हूँ, तो कोई कर देता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। गीता लोग को तो मैं कर देती हूँ, पर खुद का मुझसे नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कर लेती हूँ हेयर स्टाइल अपना से। जब कुछ कुछ चोटी जो है ना खुद से नहीं बनता, वो सामने वाला बांध देगा तो ही बन देगा। तो आज मौसी बांधी, काफ़ी टाइम बाद में सागर चोटी बांधी, आज मौसी बांधी है मुझे। तो अभी घर आई हूँ, ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया, तो दाल चावल भी जाए थी मम्मी डोसा के लिए, तो वो पीसना है, तो चलिए पहले मैं पीस लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ। ओके तो चलो, ये देखिए तो यहाँ पे दाल चावल को मम्मी सोख करके रख दी थी, अच्छे से वॉश करके रख दी है, तभी मैं इसको पीसूँगी। तो डोसा बनाने के लिए ना, मतलब दाल एक जिसमें आप भिगा रहे हो, ग्लास कटोरी जिसमें भी सेम, वही कटोरी में 3 गिलास चावल डालोगे तो 1 गिलास दाल डालना है, बस यही मेजरमेंट रहता है। और साथ में इसमें मेथी का दाना भी डालते हैं 1/2 टीस्पून, इससे डोसे में फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है बैटर का, और डोसे में कलर बहुत अच्छा आता है। बट यहाँ पे हम लोग मेथी नहीं यूज़ कर रहे, मेथी के बदले हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। चलिए जार में डाल देंगे दाल चावल को, और पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा पीस के रेडी हो चुका है, तो बैटर को बहुत ज़्यादा क्रीमी पेस्ट नहीं बनाना है,
और अब हम इसमें वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताने वाली थी। मेथी की जगह में हम यहाँ पे बॉयल्ड राइस यूज़ करते हैं, इससे वही टेक्सचर आता है जो मेथी से आता है। तो अगर आप मेथी भूल जाते हो तो बॉयल्ड राइस और पोहा भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी डोसा बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो हम पोहा यूज़ नहीं करते, खाली बॉयल्ड राइस यूज़ करते हैं। तो इसे भी अच्छा सा फाइन पेस्ट बना के बैटर में मिक्स कर देंगे एंड बैटर को अच्छे से मिलाने के बाद इसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन, जब फर्मेंट अच्छा होता है तो ही हमारा डोसा बहुत अच्छा बनता है। तो 8 आवर्स के लिए इसे रख देंगे। सो गाइस, चलो काम ख़त्म हुआ पीस लिया। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है, सब्जी है जो दिन में बनाई थी मम्मी। तो सब्जी नहीं बनेगा, खाली रोटी बनेगा, बस रोटी बनेगा फिर हम लोग खाएंगे। और सुबह तक हम लोग एक्चुअली सुबह बनाएंगे तो सुबह तक फर्मेंट हो जाता है। अगर शाम को बनाना होता तो सुबह पीस के रख देने से भी फर्मेंट हो जाता है। अगर बहुत जल्दी चाहिए तो धूप में रख दो तो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है धूप में रखने से। तो चलिए गाइस, साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी और बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। एक्चुअली वीडियो कल से चल रहा है तो इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ, क्योंकि और कुछ दिखाने का है नहीं, तो इसलिए अभी एंड कर रही हूँ। तो चलो गाइस, बाय, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।